वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल जेडी ब्लॉग्स। आज हम आए हैं बरकबली के जो फेमस मेला लगता है वो बारौनी मेला। सो देन हम अभी मेला में हैं। सो मेला में जो भी होता है जो भी दिखाने की कोशिश करेंगे आप सो के, तो चलिए मेरे साथ मेला एंजॉय करने के लिए। ये अभी मेले में सब लोग स्नान करने के रेडी हो रहे हैं, कई लोग स्नान कर रहे हैं। ये आउटसाइड है, जो होता है सामने पीछे सब कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बैक साइड है, तो फ्रंट साइड और अप साइड दो सामने हैं। सो आगे की जाएंगे हम सब, आगे की दिखाने की कोशिश करेंगे आप सब लोगों को। सो यहाँ में अपने अपने पिताजी को सभी लोग पिंड दान कर रहे हैं, जो नहाने के बाद ये होता है। अभी हम आए हैं जो टेंपल के सामने, वो बहुत भीड़ भाव है, पता नहीं एंट्री कर पाएंगे या नहीं, ट्राई करेंगे अंदर जाने के लिए। तो अभी एक ट्रेन क्रॉसिंग कर रहे हैं जो मंदिर के सामने से। ट्रेन नंबर है 05687 दुल्लभसरा टू सिलचर स्पेशल ट्रेन। ये हर दिन चलता है, ये ट्रेन बहुत स्पीड में चलता है ये ट्रेन की। ये मंदिर में आ चुके हैं टेंपल में, क्योंकि बहुत भीड़ भाव है और सामने के सब नहाने के लिए स्नान कर बहुत भीड़ है। जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश किया, क्या बोलूँ, बहुत भीड़ है। टेंपल है जो मंदिर का, वो एक त्रिशूल है कि बहुत फेमस है ये टेंपल, बहुत फेमस है। आगे की तरफ ये हम भीतर का अंडरग्राउंड का जो टेंपल है वो होता है, देख सकते हैं आप लोग कितना भीड़भाव है। तो हम जाएंगे सामने में, सामने में ये जो है मंदिर का फ्रंट साइड है, साइड में होता है वो बहुत भीड़भाव है। जो भी घंटा बजे जो होता है वो सब एक बाबा बैठा है उधर, एंजॉय करिए मेरे साथ ये मेला। नीचे हम नहीं जा सकते क्योंकि बहुत भीड़ भाव है। सो हम नीचे जाने की बहुत प्रयास किए हैं बट नीचे नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सिक्योरिटी गार्ड है, तो नीचे बहुत भीड़ है, जाने में भी बहुत मुश्किल है। सो सभी लोग अपने अपने काम कर रहे हैं नीचे जो बोर्ड में होता है। सो है गाइस, आप लोग जो मशीन देख रहे हो ना, नदी के बीचों बीच दो मशीन लगाए गए हैं। ये मशीन नदी की गहराई को और गहराई बनाने के लिए, ये मशीन कई सालों से इस स्थान पर काम कर रही है। ये दो मशीन गवर्नमेंट की तरफ से है जो नदी को और भी गहराई बनाने के लिए। सो ये जो मेला है ना, ये मेला बड़ागढ़ का बहुत फेमस मेला है, क्योंकि बड़ागढ़ में तीन डिस्ट्रिक्ट होता है, काछार एंड करंगमंच हालागंदी। ये तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये बहुत फेमस मेला, बहुत एक साल में एक बार ही होता है। बहुत यहाँ में बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो हम जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ, जितना हो सके। बस हम उस पार में नहीं जा सकते, उस पार में क्या है, बहुत बोट है उस पार में, बहुत रिवर भी बहुत पानी है रिवर में। तो जितना हो सके उतना दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ कि मंदिर, फिलहाल मंदिर में काम चल रहा है कि ये आप लोग देख सकते हो जो ऊपर का फ्लोर है, ऊपर में सब काम चल रहा है। तो मैं आई हूँ मंदिर में माता टेकने के लिए, बहुत एक्साइटेड था। तो आने के बाद मैं बहुत हैप्पी फील हूँ, जितना हो सके उतना इंजॉय किया। बहुत मेरे साथ बहुत भी लोग आए हैं, वो लोग भी उधर आउटसाइड में, सो देन मैं फ्रंट साइड में अभी टेम्पल के। सो वीडियो का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं ऐसे तरह वीडियो आप लोगों को डाल सकूं। सो देख सकते पीछे आप लोग की बहुत भीड़ भाव है मंदिर में, क्या बोले। सो मैं पहले सामने था, अभी पीछे आया हूँ। जो टेंपल के पीछे जो रोड है वो आप लोग देख सकते हो, ब्रिज के नीचे से वो लोग नीचे जा रहे हैं नहाने के लिए। श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आए हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, और बहुत भी वो लोग खुशी मिलता है कि यहाँ में जो एक साल में ये पुण्य मेला लगता है, यहाँ में नहा सके, यहाँ के मंदिर में माथा टेक सके। इस कक्ष में माता रानी और कपिल मुनि, जो इन मंदिर के प्रतिष्ठाता हैं, इन मंदिर की जो भगवान है कपिल मुनि। जो टेंपल है जो मंदिर का, वो एक त्रिशूल है कि बहुत फेमस है ये टेंपल, बहुत फेमस है। आगे की तरफ ये हम भीतर का अंडरग्राउंड का जो टेंपल है वो होता है,
देख सकते हैं आप लोग कितना भीड़ भाव है। तो हम जाएंगे सामने में जो सब दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ। तो मंदिर के एक साइड में या कोने में दो शिवलिंग हैं। इस शिवलिंग में हर श्रद्धालु शिवलिंग को अभिषेक कर रहे हैं। अभिषेक के लिए कई लोग पानी, कई लोग दूध, जो जिससे हो सके इस चीज़ से अभिषेक कर रहे हैं ये दो शिवलिंग को। एक साइड में मंदिर के एक साइड में दिया, धूप, धुना सब कुछ जला रहे हैं, ये सिर्फ एक साइड में। ये जो मंदिर के सामने मंदिर के कक्ष के सामने घंटा लगा हुआ है, इस घंटे को सभी लोग घंटा बजा रहे हैं। तो मैंने देखा कि आप लोगों को शेयर करो ये घंटा की तस्वीर। यहाँ बहुत भीड़, बहुत लोग आए हैं, बहुत इतना भीड़ है कि ताकि हम अंदर नहीं जा सकते। बहुत मैंने मेहनत करके अंदर गया था और आप लोगों को दिखाया था मंदिर का जो टेम्पल होता है, बाकी सब उधर सब दिखाने की कोशिश किया। तो ये बहुत भीड़ भाव है, सब चलना भी मुश्किल हो गया रोड में चलने के। वो मंदिर में घुसने के लिए गेट है जो लिखा है जो बारहवीं स्थान महोत्सव। बहुत लोग हैं, बहुत भीड़ भाव है, कोई अफसर भी इसमें ड्यूटी कर रहे हैं, बहुत मेहनत, बहुत पूरा गार्ड है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस गार्ड में। पूरा जितना दिखाने की कोशिश करेंगे इस मंदिर में, बहुत अच्छे लगे मंदिर में आने के। ना वो रोड के एकदम पास है, जो वो रोड है करीमगंज सिलचर रोड में जो जाता है, वो रोड के एकदम पास एक नज़दीक ये रोड है और ये मंदिर। तो दोनों साइड में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, रोड और टेम्पल बहुत खतरा होता है। इस मेले में बहुत भीड़ भाव होता है, तो देख सकते हैं आप लोग कितना गाड़ी है और ये मेले में जाते हैं बहुत लोग हैं। तो काफ़ी ध्यान में रखना पड़ता है इस दिन, खास आज दिन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं दर्शनार्थी। तो रोड में तो बहुत भीड़ भाव होता है, सो इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देख सकते हैं रोड कितना भीड़ है। रोड ऊपर एक लॉज है, लॉज में भी भीड़ है, जो रेस्टोरेंट होता है। सो इतना ही। ये जो छोटा सा एक मंदिर है या टेम्पल है, ये मंदिर उन्हीं के नाम से ये मंदिर बनाया गया है, कपिल मुनि आश्रम, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है ये, तो सामने ही पड़ता है, तो मैंने शेयर किया आप लोग। तो किसी भी मेले का शान होता है, जैसे बांसुरी, गुब्बारे, छोटे छोटे खिलौने की चीज़, ये सब होता है मेले का शान। ये हर मेले में मिलता है, हर मेले में मिलता ही मिलता है। कई लोग जो खाने के लिए चीज़ लेके आए हैं, कई लोग कुछ ज्वेलरी, कई लोग पूजा के सामान, क्या बहुत वैरायटी लेके आए हैं। वो लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई फ्रूट्स, कुछ चटपटाका, जैसे मुर्गी, जैसे बहुत तरह के आइटम। मैंने बोला है कि इस मेले में बहुत दूर दूर से बहुत स्टॉल लगता है, बहुत दूर दूर से आता है ये स्टॉल वालों। इसमें ना बहुत यूनिक जो खाने का चीज़ है, देख सकते हैं ये जो गुड़ से बना हुआ है, चीड़ा है, मूढ़ी होता है, सो देन बहुत बहुत टेस्टी, बहुत क्राइसी होता है ये जो स्टॉल में जो खाने को मिलता है ना, छोटे छोटे चीज़ या ज्वेलरी, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो आगे बहुत भीड़ है, आगे जा पाएंगे या नहीं वो मुश्किल की बात है। तो ये लोग देख सकते हैं कुछ चीज़ लेके आए हैं, इतना भीड़ है इस दुकान में। सो जितना हो सके उतना दिखाया आप लोग। इस गेट में क्या होता है, इस बहुत भीड़ है, वो जो स्नान करने वाला घाट होता है ना, घाट में जाने के लिए ये रोड है, कि बहुत भीड़ होते हैं, बहुत लोग है ना, पूरा दिन या शाम को भी चलता है इस घाट में, लोग आना जाना रहता है। या इस आज के दिन खास के दिन बहुत लोग बहुत भीड़ होता है, तो आज इतना ही। स्पेशल ट्रेन है जो जीरीबाम से अगरतला चलती है।
लास्ट में जाने से पहले लास्ट में आपके फिर से आपको मंदिर के दर्शन करा दूं श्री कपिल मुनि के आश्रम के। मेले चलने के बीच में आ गई बारिश, इतना बारिश हुआ कि सब लोग भीग चुके हैं, जितने दर्शनार्थी थे छोटे बड़े सब लोग भीग चुके हैं।